Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to Iman's Cooking Style. आज मैं खीर बना रही हूँ, बादामी खीर. सबसे पहले मैं आप सबको शबे मिराज मुबारक कहना चाहती हूँ. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआएं आपके हक में कबूल करें और आपकी तमाम दुआएं कबूल करें. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2.5 लीटर मिल्क. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ पे मैंने 2.5 लीटर मिल्क ऐड कर लिया है. अब हम इस फ्लेम ऑन करेंगे हाई पे स्टोव और इसको बॉयल करेंगे. बॉयल होने जैसे इस बॉयल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे. जब तक यहाँ पे दूध बॉयल होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिए थे और इसको मैंने भिगो दिए थे. और यहाँ पर मैंने 1 कप ऑलमंड्स लिए थे, इनको भी मैंने भिगो दिए थे. 1 कप almond for garnishing, 2 cup sugar, and thodi si ilaichi and zafran. और दूध को हम साथ साथ में मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध नीचे लगे ना. और दृश्य पढ़ना मत भूलिएगा, इससे आपके घर में भी और आपके खाने में भी बरकत पड़ेगी और आपके खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दूध अब बॉयल होने लग गया है हल्का हल्का, तो अब हम इसकी मीडियम कर देंगे इसका फ्लेम और इसके अंदर ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर 1 चुटकी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और इलायची पाउडर मैंने इलायची को बस ग्राइंड कर लिए थे, उसका पाउडर बना दिया था. और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे ज़ाफ़रान, वो भी 1 चुटकी. और इसको मिक्स कर लेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इसको थोड़ी देर इसको बॉयल होने देंगे और फिर इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे. मैंने दूध को थोड़ी देर फ्यू मिनट्स के लिए इसको बॉयल कर दिया था ज़ाफ़रान और इलायची डालने के बाद. अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चावल. इनका मैंने पानी निकाल दिया है और इनको हाथों से मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर लिए हैं. अब इसको मैं लो पर ही मीडियम लो पे 30 to 40 मिनट्स अच्छी तरह पकाऊँगी ताकि ये चावल अच्छी तरह गल जाए और ये थिक होना शुरू हो जाए. मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. और इसके अंदर चम्मच हम हिलाते ही रहेंगे ताकि चावल ना नीचे लगे. जब तक मेरा यहाँ पे ये खीर पक रही है, यहाँ पे मैंने इस बादाम को छील लिए थे जो मैंने भिगोए थे और अब मैं इसको हल्का सा क्रश कर लूँगी. यहाँ पे मैंने बादाम को क्रश कर लिए हैं और अब मैं इसको इसके अंदर ही चावलों के साथ ही पकाऊंगी क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में. और ये इसके अंदर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये बादामी खीर है और बादाम ज़्यादा इसके अंदर डालते हैं. इसके अंदर मैंने बादाम ऐड कर लिए हैं और अब हम इसको चावलों के साथ ही पकाएँगे 30 to 40 मिनट्स मीडियम लो पर ही. और इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी आने लग गई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चावल अच्छी तरह हो गए हैं. मैं क्योंकि कंसिस्टेंटली मिक्स कर रही थी, 30 मिनट्स हो गए हैं और मैंने जो दूध लिया था वो बिल्कुल नॉर्मल होम जो मैं दूध यूज़ करती हूँ रेगुलर 2% मैं यूज़ करती हूँ. आप लोग कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं. कुछ लोग फुल फैट यूज़ करते हैं, कुछ लोग क्रीम यूज़ करते हैं, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ शुगर 2 कप्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने वाइट लिया है, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक मुझे थोड़ी सी परी देश के लिए नहीं चाहिए थी, मगर अब तो मेरी खीर पक गई है. सो इट्स ओके नाउ.
अब बस मैं इसको 5 मिनट्स के लिए और मिक्स करूँगी, पकाऊँगी, क्योंकि मुझे जितना थिक चाहिए थी वो हो रही है, मतलब हो गई है। तो बस 5 मिनट्स और मैं इसको पकाऊँगी चीनी डालने के बाद। मिलती हूँ 5 मिनट्स के बाद। यहाँ पर अलहम्दुलिल्लाह से मेरी खीर पक गई है, तो अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। और आप लोग सारी चीज़ें अपनी टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। शुगर भी कुछ लोगों को कम पसंद है वो कम लें, या कुछ लोगों को ब्राउन शुगर पसंद है वो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। मैंने वाइट यूज़ किया था, और कुछ लोगों को मेरा ये बार बार कहना पसंद नहीं था कि दूषित पड़ो, तो मैंने, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि मैंने बहुत कम कर दिया। तो मगर मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, मैंने बस कहना कम कर दिया मगर मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो आप लोग भी पढ़िएगा और मैं भी पढ़ती रहूँगी। और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मिलती हूँ आप सबसे। यहाँ पे मैंने खीर निकाल दी हुई है, और अब मैं इसके पर बादाम ऐड कर लूँगी। और खीर तो मेरी फेवरेट है, मेरे पापा की भी फेवरेट है, और आजकल मेरे सब्सक्राइबर्स भी सारे बना रहे थे। और आजकल मैं यूट्यूब पर भी मैं सब कुछ देख रही हूँ कि सब खीर बना रहे हैं, आज मैं भी बनाती हूँ। फिर नवाज शरीफ भी है तो उसके लिए भी फिर बना देते हैं। और ये बादामी खीर है तो इसके ऊपर बादाम भी ज़्यादा जाएंगे। और ये यहाँ पर अब ये रेडी हो गया है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोगों का कैसे बने हैं। और दृश्य पढ़ना मत भूलिएगा, इससे आपके घर में भी और आपके खाने में भी बरकत पड़ती है, आपके खाने में टेस्ट भी अच्छा था। और सारी चीज़ अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।